हेलो सुपर फ्रेंड्स, तो कैसी है हमारी सुपर पब्लिक, आई होप बढ़िया होगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, उसमें हम देखने वाले हैं स्लग टेरा के बारे में। स्लग टेरा एक ऐसी जगह जहां पे सब कुछ स्लग्स करते हैं, मतलब स्लग्स को एज अ वेपन यूज किया जाता है वहां पे, मतलब अपने कामों में भी स्लग्स को यूज किया जाता है। स्लग टेरा में स्लग्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड वहां पे स्लग्स जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है एंड वो सब कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्लग्स एंड स्लग टेरा के बारे में कुछ अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग बातें जो कि शायद आपको अभी तक पता ना हो। तो चलो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन, स्लग टेरा का सबसे पावरफुल स्लग स्लिंगर इलाई शेन है। इलाई शेन अब तक का सबसे पावरफुल स्लग स्लिंगर है क्योंकि उसने डॉक्टर ब्लैक, अनबीटेबल मास्टर, ट्विस्टर जैसे पावरफुल स्लग स्लिंगर्स को हराया है। फैक्ट नंबर सेकंड, जब इलाई शेन की बात चल ही रही है तो क्या आप लोगों ने उसका ब्लास्टर देखा है? जी हाँ, ये वही ब्लास्टर है जिसकी हेल्प से इलाई शेन ने अपने सारे ओपोनेंट्स को हराया है। तो क्या आप लोग जानते हो कि स्लग टेरा में रेड हुक ने वैसे सिर्फ दो ही ब्लास्टर्स बनाए थे, एक जो कि था विल शेन के पास जो कि इलाई शेन के पापा थे, एंड दूसरा जो ब्लास्टर है वो है इलाई शेन के पास। मतलब इंटरेस्टिंग ना, पूरे के पूरे स्लग टेरा में वैसे सिर्फ दो ही ब्लास्टर है एंड वो शेन फैमिली के पास ही है। फैक्ट नंबर थ्री, स्लग टेरा का सबसे रेयर स्लग पिंक एंड यांग है जो कि अनबीटेबल मास्टर के पास हमें सिर्फ एक एपिसोड में देखने को मिले थे, बट उसके बाद हमें पूरे के पूरे स्लग टेरा में वो हमें स्लग्स देखने को नहीं मिले, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो स्लग्स कितने ज़्यादा रेयर एंड कितने ज़्यादा पावरफुल थे। फैक्ट नंबर फोर, स्लग टेरा का सबसे पावरफुल स्लग है इनफर्नस स्लग यानी कि बर्पी, जिसकी हेल्प से इलाई शेन ने अपने सारे ओपोनेंट्स डॉक्टर ब्लैक तक को भी हरा दिया था, एंड जो स्लग टेरा का सबसे बेहतरीन स्लिंगर था वो बन गया था, एंड जो इलाई शेन की जो सीखने की इच्छा थी ना वो उसको सबसे ज़्यादा डिफरेंट बनाती थी बाकी सभी स्लिंगर से, इसलिए वो सबसे बेहतरीन स्लिंगर था स्लग टेरा का। फैक्ट नंबर फाइव, डार्क वाटर पूरे के पूरे स्लग टेरा की सबसे डेंजरस चीज़ है। जब कोई ह्यूमन डार्क वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो ह्यूमन एक घोस्ट की तरह दिखने लग जाता है, मतलब वो कुछ इस तरह दिखता है, बट जब कोई स्लग डार्क वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उनके केस में यहाँ पे कुछ डिफरेंट होता है। जब कोई स्लग डार्क वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो अपने डेंजरस फॉर्म में चला जाता है, उसकी पावर्स, उसकी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इनक्रीज हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले बन जाते हैं एंड वो बन जाते हैं गूल्स। फैक्ट नंबर सिक्स, एलिमेंटल स्लग्स स्लग टेरा के सबसे ओल्ड स्लग है। ये इतने ज़्यादा ओल्ड है कि इनकी एग्जैक्ट एज भी किसी को मालूम नहीं है, एंड एलिमेंटल स्लग्स ही स्लग टेरा में सबसे पहले स्लग्स थे जो कि एग्जिस्ट करते थे, एंड माना जाता है कि इन्होंने ही पूरे के पूरे स्लग टेरा एंड जितने भी स्लग्स हैं उन्हें क्रिएट किया है। तो ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्लग्स है। फैक्ट नंबर सेवन, पूरे के पूरे स्लग टेरा में एलिमेंटल्स के बाद जूजू ही इकलौता ऐसा स्लग है जिसकी एज सबसे ज़्यादा है, एंड वो अपनी एज की वजह से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है बाकी स्लग्स में, एंड जूजू की जो एग्जैक्ट एज है वो 2000 ईयर्स है, एंड अपनी एज की वजह से उसे बैटल्स का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एंड जूजू भी एक इनफर्नस स्लग है बर्पी की तरह, एंड वो भी फायर एलिमेंटल से बिलोंग रखता है, एंड उसकी जो पावर एंड एबिलिटीज़ है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो बाकी स्लग से बहुत ही ज़्यादा है। फैक्ट नंबर एट, स्लग्स लगभग स्लग टेरा में हर जगह सांस ले सकते हैं, इवन वो पानी के अंदर भी बिना दिक्कत के रह सकते हैं, बट वो पानी के अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि पानी के अंदर उनका जो नॉर्मल ब्लास्टर होता है वो उन्हें उस फोर्स से नहीं ब्लास्ट कर पाता जिस फोर्स से उनको ट्रांसफॉर्म होना होता है, बट फिर भी टॉर्क विंडो कवर की हेल्प से स्लग्स पानी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, वो भी एक नॉर्मल ब्लास्टर के शूट से।
फैक्ट नंबर 9, इलाई शिन पहले अपने बैटल्स में बर्पी का सबसे ज्यादा यूज किया करता था, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया इलाई शिन ने बर्पी का यूज करना कम कर दिया, बिकॉज धीरे धीरे उसे पता चल गया कि बर्पी जो है वो एक इनफर्नल स्लग है, एंड स्लग टेरा में बर्पी एक बहुत ही रेयर, बहुत ही स्मार्ट एंड बहुत पावरफुल स्लग है, इसलिए वो बर्पी का यूज तब किया करता था जब उसको बहुत ही ज्यादा एमरजेंसी हो। फैक्ट नंबर 10, पूरे के पूरे स्लग टेरा में डबल बैरल ब्लास्टर सबसे पावरफुल ब्लास्टर है, बिकॉज उसी की हेल्प से इलाई शेन ने बर्पी एंड जूल्स का फ्यूजन अटैक करा था, एंड डबल बैरल ब्लास्टर सबसे पावरफुल इसलिए है क्योंकि जब इलाई शेन ने बर्पी एंड जूल का फ्यूजन अटैक अनबीटेबल मास्टर के ब्लास्टर जो कि बून एक्स था उससे करा था, तो वो ब्लास्टर ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था, बट फिर भी जो डबल बैरल ब्लास्टर है उसने इस अटैक को बहुत आराम से हैंडल कर लिया, एंड जिससे हमें पता चलता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग ब्लास्टर है जो कि इन दोनों के अटैक फ्यूजन अटैक होने के बाद भी सेफली बचा था। तो यार ये कोई फैक्ट नहीं है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। जिन्होंने स्लग टेरा देखा है उन्हें तो मालूम है, बट जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लो कि जो स्लग्स होते हैं उनके पास अपना दिमाग होता है, वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी बहुत स्मार्ट होते हैं, वो आपस में बातें करते हैं, वो ह्यूमंस की बातों को समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, बट वो ह्यूमन से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्लग टेरा में वो शेडो क्लेन से बातें कर सकते हैं। तो यार बस आज की वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी स्लग टेरा के बारे में, बाकी इन्फॉर्मेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि स्लग टेरा के बारे में आपको और भी वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, और ये वाली वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।